हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। हेलो। हाँ हेलो राहुल जी है सर। राहुल जी, कहाँ हैं? कहाँ गए सर? कहीं राहुल जी आ रहे हैं, थोड़ी देर में आएंगे, आधा घंटा लग जाएगा। बाहर गए हुए? हाँ बाहर ही हैं। आप कौन है सर? मैं उनका मित्र बोल रहा हूँ। और आप उनके फ्रेंड हैं सर? हाँ वो एक्चुअली सर ये उनका ना एक मैं प्रेफर से बोला, उनका मंथली ईएमआई पे करते हैं लोन का, हाँ तो उनका 7,741 रुपये की ईएमआई है, वो ही उसी के लिए करना था जो कब पे करेंगे। आप जितनी सर, तारीख आप में एक बात जाओगे तो पे बताओ, कर आप एक बात बताओ, ये जो आपने मुझे बता दिया लोन की ईएमआई कटेगी, एक सर पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, तो आप कस्टमर की डिटेल ऐसे किसी को दे सकते हो? सर। आपने कॉल रिसीव करा मैंने बोला कि और सर मैं उसका आपने दोस्त बोल नहीं रहा हूँ, राहुल ने बोल रहा। तो सर एक बात बता दे रहा हूँ, कोई किसी का पर्सनल फोन तो रिसीव नहीं करता था, ऐसा ईमेल नहीं है, करता वो था। एक अलग चीज तो है कि वो जो है ना, वो आपको कुछ काम से आपको गया हुआ है तो यहाँ पर फोन रख नहीं दिया हुआ नहीं अपना। सर, आपको फोन दिया होगा, नहीं छूट दे रखा है तभी तो ना, यहाँ ऐसे पे नहीं ना, होगा अरे ना। तो ये बात सिर्फ बताइए, छूट की एक अलग बात होती है। सर आप ये पर्सनल एक बता दे रहा इन्फॉर्मेशन, हूँ, तो आप ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो उसकी जो है एक ना, तो है उसके मम्मी पापा, उसकी वाइफ, उसके भाई को नहीं दे सकते आप मुझे दे आपके रहे हो। फादर का मुझे वो फोन दे के गया, वो अभी किसी काम से गया आ रहा है, वो मतलब यहाँ रख के चला गया, फोन भूल गया ये समझ लो। आप बता दे रहे हो, आपके ही फादर होंगे, उनका फोन होगा, वो आपको कहेंगे कि इसको तू क्यों मेरे से बगैर पूछे क्यों ऐसा दिया, है ना, ऐसा है ना, आपकी आपकी एक गाइडलाइन होती है, तो मेरे फादर तो बोल देते हैं। आप ना जो कस्टमर की मुझे पर्सनल नहीं समझा इन्फॉर्मेशन है ना, उसके फादर को, ना उसके मदर को, ना उसकी वाइफ को, ना उसके ब्रदर, किसी को नहीं पर्सनल बता सकते। आपने बता कैसे दिया मुझे? पे लोग कहेंगे कि हाँ भाई तू मेरा देख ले, तो वो देख दिया तो ठीक है, चलो भाई तो आप बताओगे ना। तो आपको आपको फ्रेंड ने आपको दे रखा तो आप बता रहे हो 3-4 दिन से नहीं है, तो 3-4 दिन से आप उनका फोन यूज करोगे, तो तीन कैसे चार हो सकता है? मैं जो है ना, अभी मैंने यूज किया 3-4 दिन से, कौन यूज कर रहा है? वो अभी गया है जस्ट किसी काम से, वो यहाँ पे भूल गया। आप पर्सनल फोन तो भूलेगा नहीं, इतना तो पता है मुझे, आधा ही तो घर में रख के जाएगा, तो कोई विश्वास ही व्यक्ति नहीं है ज्यादा उसका। ज्यादा ज्ञान नहीं लगा रहे हो आप इसमें, ज्यादा अपनी साइकोलॉजी नहीं बढ़ा रहे हो। लगा रहा एक हूँ तो सर, आप उसकी मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन मुझे दे रहे हो, ऊपर से फिर मुझे बोल रहे हो उल्टा ही कि सर तो अरे पर्सनल फोन छोड़ के नहीं जाएगा। क्यों छोड़ के नहीं जा सकता? मुझे राहुल जी से बात कराओ, अभी राहुल मैं जी ही से तो आता बात हूँ बात में होगी, आपने मुझे इन्फॉर्मेशन दे दी, सर। ऊपर से उसको बहस कर रहे हो। सर मुझे तो लगता है आप ही राहुल जी, आप झूठ बोल रहे हो। एक तो मुझे पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हो सामने आप वाले के, ऊपर से फिर बहस कर रहे हो। आप मैं समझ गया, राहुल जी आप झूठ बोल रहे हो, क्लियर थोड़े समझ से रहा हूँ मैं। आप दिमाग से कम हो क्या? एक तो आपने उसकी दिमाग मुझे जो है ना, तो आपने जो नहीं देने की चीज थी वो मुझे दे दी, और फिर ऊपर से फिर मुझसे कह रहे हो राहुल जी हो। अरे वो बात नहीं है, सीधे सीधी बात है, लोन का जो है ईएमआई है वो पे करवाओ, हमें उससे कोई मतलब नहीं, तुम राहुल हो या राहुल का फ्रेंड, काम कराओ पैसे पे कराओ बस, वॉट इज थोड़ा सा मतलब अभी समझाया मैंने कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देता, फिर मुझसे वही ईएमआई की बात कर रहे हो लोन की। सब नहीं है। आप लोन का जो ईएमआई है पे कराइए, बात खत्म, एक हफ्ता करा रहे हैं बोलिए थोड़े आप, से भाई पागल वागल हो गए, तुम सही बताओ। बताओ कब पे करा रहे हो ये बता अब दो। राहुल नहीं हो, मैं उसकी इन्फॉर्मेशन एक तो दे दी, फिर ऊपर से बहस कर रहा है, फिर उसमें भी ये कह रहा है कब पे करा रहे हो। बंदे को भेज दूँ तो दिखा देना अपना आईडी प्रूफ से तुम राहुल नहीं हो। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव भेजो, हैंड टू हैंड अभी भेजो। एक काम करो, मैं उसको अभी, राहुल आएगा थोड़ी देर में, उसको बोल रहा हूँ घर पे आ रहा है एग्जीक्यूटिव, घर पे चल, ठीक है जल्दी नहीं तो भेजो। दिखा देना ना, किसी दूसरे राहुल का पिक्चर दिखा देना, कहना जो मैं राहुल हूँ। ऐसा है, घर पे भेजो एग्जीक्यूटिव, मैं अभी राहुल से बोलूंगा, अभी यहाँ राहुल घर से थोड़ी दूर है, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे, 1 घंटे बाद एग्जीक्यूटिव भेज देना, ठीक है? मैं इंतजार कर रहा हूँ, भेजो एग्जीक्यूटिव, बोल रहे हो, राहुल द्रविड़ नहीं हो, सीधे सीधी बात है। एग्जीक्यूटिव भेजो एग्जीक्यूटिव, मैं इंतजार कर रहा हूँ, बेफालतू के बहस कर रहे हो। राहुल हो तो राहुल ही हो, सीधे सीधी बात है हाँ तो आपकी। वही तो बता रहा हूँ, एग्जीक्यूटिव भेज दे, आप इंतजार कर रहा हूँ, आधे घंटे का रास्ता है, राहुल के घर का भी जा रहे हैं, ठीक है? आधे घंटे बाद एग्जीक्यूटिव भेज देना। पैसे तो पैसे लेने से पहले इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल किया हुआ तो उसमें क्या बताया होगा, जो राहुल का मैं फ्रेंड हूँ, लोन लेने से पहले 3 साल का जो रिटर्न फाइल किया होगा, अब बोलो जो मैं कौन थोड़ा सा पागल वागल है क्या भाई तू? पागल नहीं हूँ ना, बता रहे हो ना, जो रिटर्न फाइल किया हुआ तो उसमें दूसरे का फाइल कर दिया होगा, 3 साल फाइल किया हुआ तभी ना लोन सेंक्शन कराया होगा, तब एक्नोलेजमेंट पीपीसीएसी रिसीव आ गया होगा, भाई पागल वागल है क्या सही में पीपीसीएसी। तू? अरे मैं पागल नहीं हूँ, मैं एकदम सही हूँ, तुम्हारा ना मेडिकल डिपार्टमेंट से ना फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर के आ जाना तब बोलना पागल हूँ।
मेरा सर्टिफिकेट लेके आऊंगा तो तुझे पागल क्यों बोलूंगा? डिपार्टमेंट जो है ना, मेडिकल डिपार्टमेंट कांके चले जाना, कांके और आगरा, कांके का नाम सुना है ना, वहीं पे पागलों की ट्रीटमेंट होती है। एक काम कर भाई, जो इलाज वगैरह करवा ले तू मुझसे, जो है ना इलाज वगैरह करवा के बात कर ले तू राहुल से, ठीक है? बात बता दे रहा हूँ मैं, मेरे को बता दिया ना, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल तो सही होता है ना, तो दूसरा थोड़ी ना फाइल कर देगा उसका। अबे भाई उसका फोन मेरे पास है, अंदर घुसे जा रहा है, घुसे जा रहा है उसमें। जो बता रहे थे जो आधे घंटे में बता भेज दूंगा, अब बोले हो जो एग्जीक्यूटिव को भेजो तब बता दिया हूँ, तो सही चीज बता रहे हो। लोन सैंक्शन करने से पहले काम कराया होगा ना? एक काम करो, अपने ना यहाँ पे राहुल के घर का आधे घंटे का रास्ता है, मैं अभी राहुल को लेके उसके घर ही चला जाऊंगा। तुम एक काम करो, एग्जीक्यूटिव चलो तुम ही आ जाओ, तुम्हें तुम्हें बता दूंगा क्या है क्या नहीं। एकदम बोल रहा हूँ ईएमआई पे करो, सही सही करो और बहाने बंद। भाई पागल वागल है क्या यार तू? मतलब उसमें एक रुई वाली बात कर रहा है, बोल रहा हूँ राहुल नहीं बोल रहा मैं। अपनी बात कुछ भी कह दोगे तो किसी को भी गलत प्रूफ कर दोगे, लेकिन जो अच्छा वही चीज है ना, ये आपका जो आईटीआर फाइल का होगा तो उसमें। देखो ये तो बिल्कुल सच है कि राहुल नहीं बोल रहा, उसका दोस्त बोल रहा हूँ। अब जो बाकी तुम कह दो, तुम कुछ भी कह दो, तुम बोलने को तो कुछ भी बोल दो, तो मैं क्या मान लूंगा? भाई इलाज वगैरह करवा लियो, ठीक है? जाओ अपना करा लो, पहले इनकम टैक्स का रिटर्न से वेरीफाई करा लेना, फिर पेमेंट करना और इलाज करा के। फिर से इनकम टैक्स कराया जा रहा है, पता नहीं क्या इनकम टैक्स में घुसा जा रहा है। बता दिया ना, इसीलिए बोला हूँ मैं, जो सही सही तो वहीं से पता चलता है ना, जो तुम कौन आदमी हो, क्योंकि लोन लेने से में तो तुमने सही प्रूफ दिया होगा ना। देखो मैंने एक से खतरनाक पागल एजेंट देखा भाई साहब, लेकिन आप जैसा एजेंट नहीं देखा भाई। मैं बता दे रहा हूँ, डॉक्टर के ही पास रहता हूँ, अगल बगल पड़ोसी जी। अच्छा डॉक्टर, अरे वो मतलब इलाज भी हो रहा है, तभी तो मैं कहूँ आज तक मैंने एक से पागल खतरनाक एजेंट देखा, लेकिन भाई कुछ जैसा नहीं देखा। ठीक है तो अपना इलाज वगैरह करवा ले, बाकी अगर कोई डोनेशन वगैरह चाहिए हो तो बताइए, मैं 10-10 रुपए की डोनेशन करवा दूंगा, ठीक है? हजारों लोग हैं यहाँ पे हमारे पास, 8-10 हजार लोगों से पहचान है, 10-10 रुपए की डोनेशन सब कर देंगे, ठीक है? भाई बता दे रहो, इनकम टैक्स का जो है क्लियर प्रूफ बता दे, जो राहुल है उसके बाद बता दो। इनकम टैक्स का प्रूफ बता दूँ? पर राहुल होगा तभी तो दूंगा इनकम टैक्स का प्रूफ। बता, मैं आ करके करवा दूंगा, समझे? आ करके करवा देगा, क्या करवा देगा? आप मेडिकली अनफिट करवा दूंगा, समझे? मैं वही तो बता रहा हूँ, हमारे साथ ना 8-10 हजार लोग जुड़े हुए हैं, 10-10 रुपए का तो सहयोग दे देंगे, अगर रुपए कम पड़ रहे हो डॉक्टर से इलाज कराने को बता दियो, ठीक है? तो तुम्हें शर्म नहीं आती है? शर्म क्यों आएगी, शर्म को मैंने लड़की छेड़ दी? कल बता रहे हो तुम, पहले खुद तो मेंटल अपना ट्रीटमेंट करा लो, कहाँ कैसे जाते। मैंने यार सही बता रहा हूँ बिल्कुल एकदम, अगर तू मेरी आंखों के सामने होता मैं तुझे बहुत मारता। दोस्तों आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और NBFC हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचलकर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।